रिप्रोडक्शन. यस. सो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करें तो देर आर थ्रू टू वेज थ्रू विच बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था बाइनरी फिशन, बडिंग, कोनिडिया फॉर्मेशन एंड स्पोरुलेशन. सो ये फोर वेज हैं जिसके थ्रू वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. मीन्स वहाँ गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा, सेल्स जो है वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, बस एक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगी जिसके थ्रू वो मल्टीप्लाई कर जाएंगे. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट बाइनरी फिशन इन डिटेल. यस. सो इन बाइनरी फिशन दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोइड दे डिवाइड इक्वली इनटू टू विदाउट माइटोसिस. तो यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोइड जो है वो डिवाइड कर जाएगा इक्वली इनटू टू. ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ न्यूक्लियोइड जो डीएनए है, अब क्योंकि डीएनए डिवाइड कर रहा है इक्वली तो डीएनए को रेप्लिकेशन भी चाहिए, तभी वो डिवाइड करेगा इक्वली. तो डीएनए रेप्लिकेट करेगा व्हाइल अटैच्ड टू मेसोसोम. And a new mesosome develops, which gets attached to daughter chromosome. So, जब ये replication हो रही है, DNA replicate कर रहा है, उसी time पे mesosome जो है, वो भी एक नया mesosome develop कर जाता है, और उसके साथ नया chromosome attach कर जाएगा, daughter chromosome. At the same time, cell wall and plasma membrane start growing transversely inward. From near the middle. तो जो middle है उसमें से वो ऐसे inwardly grow करना शुरू कर देंगे. So ये ऐसे inward growth जो है वो हो जाएगी from near the middle of the dividing cell between two mesosome. तो दो mesosomes जो हैं उनके बीच में ये divide करना शुरू कर देगा. तो one mesosome अगर if one is here, then another one is here. तो पार्टीशन जो है वो बीच में से होगा. जो डिवाइडिंग सेप्टम है ये ओरिजिनेट करता है सेंट्रिपिटली एंड सेपरेट पेरेंट सेल्स इनटू टू नियरली इक्वल डॉटर सेल्स. न्यूक्लियोइड यहां पे डिवाइड कर रहा है, ये आप देख सकते हो. डिवीजन के बाद ये जो दो न्यूक्लियोइड बन गए हैं, सो जहाँ पे ये डिवीजन हुई है, यहाँ पे ये अलाइन हुए हैं, वहीं पे पार्टीशन होना शुरू हो गया है. सो ये पार्ट करके दो बैक्टीरियाज अलग हो जाते हैं. दिस इज व्हाट बाइनरी फिशन इज. बाइनरी मीन्स टू, फिशन मीन्स डिवीजन. तो ये दो में डिवाइड हो गया. देन कोनिडिया. Conidia formation takes place in filamentous bacteria. ये जो conidia formation है, it takes place in filamentous bacteria like streptomyces. Yes, so we were discussing about conidia formation. So conidia formation, it takes place in filamentous bacteria like streptomycetes and by the formation of transverse septum at the apex of the filament. So filament ke apex ke upar ek transverse filament ban jayega aur uski help se conidia develop kar jayega. Means aise hai, it will look like this. Then again, it will look like this. Yes. तो ऐसे septas बनते जाएंगे और वो जो tip पे जो structure है वो अलग हो जाएगी. जो tip पे structure present है, it is called conidia.
द पार्ट ऑफ दिस फिलामेंट विच बियर्स कोनिडिया इज कॉल्ड कोनिडियोफोर. तो जिस फिलामेंट के ऊपर कोनिडिया है उसको कोनिडियोफोर कहेंगे. आफ्टर डिटैचमेंट फ्रॉम द मदर एंड गेटिंग कॉन्टेक्ट विद स्विचेबल सबस्ट्रेटम द कोनिडियम जर्मिनेट्स एंड गिव राइज टू न्यू माइसीलियम. तो ये जो कोनिडियम है, ये कोनिडिया, ये डिटैच हो जाएगा, सबस्ट्रेट के ऊपर फॉल कर जाएगा. जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो ये ग्रो कर जाएगा. देन बडिंग. सो इन बडिंग जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, दे डेवलप स्मॉल स्वेलिंग एट वन साइड विच ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज. सो एज वी ऑल आर अवेयर ऑफ, बड्स होती क्या है कि ऐसी कोई आउटग्रोथ अराइज कर जाती है एंड वो इंक्रीज कर जाती है अपने साइज में, उसको बड कहते हैं. तो वैसे ही स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में भी अपियर होती है कि स्वेलिंग आ जाती है और वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर जाता है अपनी साइज में. एंड साइमल्टेनियसली जो न्यूक्लियस है वो भी डिवीजन में चला जाता है, टेंडरगो डिवीजन, वेयर वन रिमेन्स विद द मदर एंड अदर वन विद सम साइटोप्लाज्म गोज टू द स्वेलिंग. तो एक मदर के साथ रहेगा न्यूक्लियस, मीन्स न्यूक्लियाई डिवाइड कर गया, वन इट विल रिमेन हेयर इन द मदर बॉडी एंड अदर वन इट विल शिफ्ट टू दिस साइड. सो दिस आउटग्रोथ इज बड विच गेट सेपरेटेड फ्रॉम मदर बाई पार्टीशन वॉल. तो ये जो आउटग्रोथ है ये एक बड है जो अपनी मदर से पार्टीशन वॉल से सेपरेट हो जाएगी. यहाँ पे वही पार्टीशन वॉल आ जाएगी. So it has been reported in case of rhodomicrobium, hyphomicrobium vulgare. So here you can see streptomyces where conidia are produced. So ये जो है ये rounder structure, ये conidia है जो streptomyces में बनते हैं. और budding जो है it is shown here in this diagram. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये outgrowth जो है इनलार्ज कर जाती है एंड ग्रेजुअली इट डिटैच्ड फ्रॉम इट्स पेरेंट बॉडी एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बड एंड इट इज फाउंड इन केस ऑफ रोडोमाइक्रोबियम. नेक्स्ट इज एंडोस्पोर. स्पोर्स आर फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस. तो जो स्पोर्स बनते हैं ये अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस में बनते हैं, जैसे डेसिकेशन है, स्टारवेशन है, मीन्स जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रॉपर नहीं है, एट द टाइम बैक्टीरिया प्रेफर टू प्रोड्यूस दीज काइंड ऑफ स्पोर्स एंडोस्पोर्स. एज स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन दिस सेल दे आर कॉल्ड एंडोस्पोर्स. क्योंकि वो एक सेल के अंदर बन रहे हैं इसलिए उनको एंडोस्पोर कहा जाता है. ओनली वन स्पोर इज फॉर्म्ड इन ए बैक्टीरियल सेल. बैक्टीरियल सेल में सिर्फ एक स्पोर बनता है, मीन्स सारे का सारा कंटेंट राउंड ऑफ होके एक स्पोर बना देता है एंड ऑन जर्मिनेशन इट गिव राइज टू अ बैक्टीरियल सेल. जर्मिनेशन के बाद ये बैक्टीरियल सेल बना दे. सो दैट्स ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक रिकम्बिनेशन और पैरासेक्सुअलिटी. तो इसके इसमें क्या होता है, इसमें दो बैक्टीरिया जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे और कंटेंट जो है उनका रिकम्बिनेशन होना है. नाउ लेट्स सी, क्योंकि बैक्टीरिया जो है दे आर वेरी माइन्यूट यूनिसेलुलर, लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म दिस प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो इन केस ऑफ बैक्टीरिया सेक्स ऑर्गन्स दे आर नॉट फॉर्म, सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते हैं. इंस्टेड अ पोर्शन ऑफ जेनेटिक मटीरियल इज ट्रांसफर्ड from donor cell to a recipient cell, making it an incompletely deployed zygote. तो zygote बनेगा लेकिन वो incompletely होगा क्योंकि कुछ content है. हमने नहीं कहा कि पूरे का पूरा content चला जाएगा. A portion of genetic material will be transferred from donor to the receptor. So the process is actually called genetic recombination because genes में रिकम्बिनेशन हुआ है, जीन्स रिकम्बाइन किए हैं. सो इसमें आ जाता है कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन. ये तीन तरीके से होता है जेनेटिक रिकम्बिनेशन. फर्स्ट इज कॉन्जुगेशन, सेकेंड वन इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड इज ट्रांसडक्शन.
So, as far as conjugation is concerned, it was discovered in E. coli by Lederberg and Totem in 1946. So Lederberg and Totem ne isko 1946 mein discover kiya tha. They found that two different types of auxotrophs, auxotrophs hote hain jo nutritional mutants hote hain. Nutritional mutants, they are grown together on minimal medium, produced an occasional prototroph wild type. Ab auxotroph ko jo nutritional mutant hai unko ek minimal medium mein grow karwa diya aur unhone ek prototroph bana diya. Prototroph means ki jo wild type hai normal type wo wali jo variety hai wo produce ho gayi. Cell content was required for this change. Obviously cells ek dusre ke contact mein aaye honge, change hua hai. Bacteria showing conjugation are dimorphic. जो bacteria ये conjugation का process show करते हैं वो dimorphic होते हैं. They have two type of cells. एक male होता है जिसे donor भी कहा जाता है. Another one is female, which is called recipient. जो donor cells है, जो male है, उसमें 1 to 4 sex pili होते हैं जो उसके surface पे present है. हम लोगों ने discuss किया था जब हमने structure discuss की थी कि sex pili जो है, these are the hair-like outgrowths which are present on the surface of some bacteria. तो male के केस में ये structure present होगी and fertility factor जो है वो present होगा in its plasmid. Plasmid के अंदर जो extra chromosomal material present होता है bacteria के अंदर, उसमें वो रिंग जो है वो प्रेजेंट होगी प्लाज्मिड. तो इस प्लाज्मिड जो है इट विल लुक लाइक दिस, अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, राउंडेड स्ट्रक्चर, और उसमें फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होगा. फर्टिलिटी फैक्टर कंटेन्स जीन्स फॉर प्रोड्यूसिंग सेक्स पिलाई. तो सेक्स पिलाई प्रोड्यूस करने के लिए फर्टिलिटी फैक्टर में जीन्स होंगे, तभी इसमें आउटग्रोथ की स्ट्रक्चर जो है बनी है, क्योंकि इसमें वो वाला जीन है. Other characters and in addition to that कुछ और characters भी होंगे जो कि gene transfer के लिए चाहिए. So both sex pili and fertility factor they are absent in female or recipient cell. तो जो recipient cell है, जो female है, उसमें ये वाले factors absent होंगे. So if these two types of cells happen to come nearer, a piles of male cell establishes a protoplasmic bridge or conjugation tube with the female cell and it takes 6 to 8 minutes. तो जो दो cells होंगे male and female, connection आ जाएगा और उस connection को बनने के लिए, उस protoplasmic bridge को और conjugation tube को बनने के लिए 6 to 8 minutes लगते हैं. So here in this diagram you can see the formation of that particular connection or cytoplasmic bridge. ye jo sex pilus hai ye dusre jo recipient bacteria hai uske contact mein aa jayega. jahan pe ye contact karega, touch karega, wahan pe iski wall dissolve kar jayegi aur ek passage create ho jayega. जब ये पैसेज क्रिएट होगा, इन द मीन टाइम जो फर्टिलिटी फैक्टर इस रिंग में प्रेजेंट है, दिस रिंग इज प्लाज्मिड, इसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है. ये फर्टिलिटी फैक्टर वो रेप्लिकेट हो चुका होगा एंड इट विल, वन कॉपी जो है दैट विल मूव टू दिस रेसिपिएंट बैक्टीरियम. रेसिपिएंट बैक्टीरियम जो है उसमें भी वो फर्टिलिटी फैक्टर आ गए हैं, दैट वॉज देयर इन केस ऑफ डोनर बैक्टीरियम. And after some time, this connection breaks and two bacteria they separate. और यहाँ पे change क्या आया कि पहले एक negative था और दूसरा positive था. One was donor, one was recipient. But after conjugation, दोनों जो हैं वो donor बन गए. इसमें भी दो methods हैं. पहला तो है sterile male method. अब स्टेराइल मेल मेथड में क्या है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि प्लाज्मिड हैविंग फर्टिलिटी फैक्टर रेप्लिकेट्स एंड ए कॉपी ऑफ इट्स गेट ट्रांसफर्ड थ्रू कंजुगेशन ट्यूब. रेसिपिएंट सेल आल्सो बिकम डोनर
एंड फिनोमिना ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ सेक्स इज कॉल्ड सेक्स डक्शन, क्योंकि वो डोनर बन गया, उसने भी वो मेल के करेक्टर जो है वो अटेन कर लिए, तो जब ये चीज हुई तो सेक्स चेंज हो गया, दैट इज वाई दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्स डक्शन। तो कंजुगेशन में जहाँ पे फर्टिलिटी फैक्टर ट्रांसफर हो जाता है और जो बैक्टीरिया है उसका सेक्स चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को सेक्स डक्शन कहा जाता है। अनदर वन इज फर्टाइल मेल मेथड। इस केस में क्या होगा कि जो एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड है, जो फर्टिलिटी फैक्टर है डोनर का, ये इंटीग्रेट कर जाता है टू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम और डीएनए ऑफ द सेल। तो जो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए उसके साथ इंटीग्रेट कर जाएगा एंड इज कॉल्ड हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। एचएफआर स्ट्रेन बन जाएगा वो बैक्टीरिया एंड सुपर मेल बन जाएगा। कंजुगेशन बिटवीन एचएफआर दैट इज डोनर एंड एफ दैट इज रेसिपिएंट, टू कम क्लोज टू ईच अदर फॉर्मिंग अ पेयर। तो इसमें क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे, उनके बीच में पेयरिंग हो जाएगी। सेक्स पाइलस डिवेलप्स फ्रॉम एचएफआर। हाँ जी मैम, फर्स्ट पॉइंट समझ नहीं लगा, दोबारा बता दो। ओके ओके, देखिए क्या होगा, हमने पिछले वाले में क्या डिस्कस किया, लास्ट स्लाइड में, यस ये वाला फर्टिलिटी फैक्टर इट इज प्रेजेंट इन विद इन दिस रिंग, और ये जो रिंग है वो रेप्लिकेट करती है और दूसरे में ट्रांसफर हो गई। हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होगा कि इसका फर्टिलिटी फैक्टर डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, उसे एचएफआर कहेंगे। ये देखिए, तो एचएफआर में ये जो फैक्टर है वो यहां पे इंटीग्रेटेड है, तो जब ये ट्रांसफर करेगा तो कुछ अमाउंट ऑफ इसका भी जीन जो है उधर जाएगा। ठीक है? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा, एफ प्लस प्लाज्मिड और फर्टिलिटी फैक्टर ऑफ डोनर गेट्स इंटीग्रेटेड टू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम और डीएनए ऑफ द सेल, then it is called HFR and strain जो होगी उसे सुपर मेल कहेंगे। सो कंजुगेशन के टाइम क्या होगा, जब HFR और F recipient जो है F negative, when they come close to each other, pairing हो जाएगी, sex pilus जो होगा वो develop कर जाएगा, ये HFR में है तो it will get attached to the wall of F negative cell जो recipient है, कॉमन वॉल डिसॉल्व कर जाएगी और कंजुगेशन ब्रिज एस्टेब्लिश हो जाएगा, सेम जैसा कि पहले हुआ था। क्रोमोसोम ऑफ एचएफआर इट ब्रेक्स एट वन पॉइंट एंड बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ ब्रोकन एंड बिगिन टू रेप्लिकेट। एचएफआर का क्रोमोसोम ब्रेक कर जाएगा और वो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा उसके दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स। जो क्रोमोसोम है एचएफआर का, इट बिकम लीनियर, वो लीनियर हो जाएगा एंड हैव ए डायरेक्शनल ओरिएंटेशन सो दैट द डॉटर डीएनए मूव्स इनटू एफ नेगेटिव सेल थ्रू द कंजुगेशन ब्रिज। तो ये जो डॉटर डीएनए है वो कंजुगेशनल ब्रिज से एफ नेगेटिव सेल जो रिसिपिएंट सेल है उसमें चली जाएगी। The migration of DNA into F negative is such that F negative factor is last to enter. जो migration है DNA की वो इस तरह से है कि जो F fertility factor होगा, F factor, this is fertility factor, F factor will be last to enter. So sometime complete transfer of DNA from HFR to F नेगेटिव इज इंटरप्टेड। कई केसेस में क्या हो गया, अब यहाँ पे हमने कहा कि वो तो कंप्लीट ट्रांसफर, जो फर्टिलिटी फैक्टर है वो लास्ट में एंटर करता है। कई केसेस में जो डीएनए का कंप्लीट ट्रांसफर है फ्रॉम एचएफआर टू एफ नेगेटिव इज इंटरप्टेड ड्यू टू रप्चर एट सम पॉइंट।
and that particular point is called as R point. जहां पे वो रप्चर कर जाएगा उसको R point कहेंगे. Since complete transfer of DNA occurs only rarely, F factor does not usually enter the F negative and resulting zygote is not converted to F positive. तो ये इसमें चेंज आ गया है. क्रोमोसोमल कंटेंट ट्रांसफर हो रहा है. फर्टिलिटी फैक्टर लास्ट में एंटर करता है. के केसेस में रप्चर पॉइंट जनरेट हो जाता है जिसके कारण वो डीएनए कट हो जाता है, वहां से रप्चर कर जाता है और पूरे का पूरा डीएनए ट्रांसफर नहीं हो पाता, जिसके कारण जो फर्टिलिटी फैक्टर है वो ट्रांसफर नहीं हुआ एफ नेगेटिव में और वो एफ पॉजिटिव नहीं बन पाया. Thus, the newly formed zygote receive only those genes from HFR which has been transferred during conjugation. अब क्योंकि वो तो ब्रेक कर गया, एक बार कंटेंट का एंट्री बंद होगी तो वो पाइलस ब्रेक कर जाता है, वो डिसॉल्व हो जाएगा, वो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप अटेन कर लेते हैं, वो अलग हो जाएंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है इसका फर्टिलिटी फैक्टर. ब्रेक जो है वो यहाँ से हुआ, ये वाला पोर्शन जो है वो रेप्लिकेट करके इधर एंटर होना शुरू हो गया. यहाँ पे आप देख सकते हो, हियर यू कैन सी, और यहां से एंटर करना शुरू हो गया और ये वाला पोर्शन बाद में जाके इसके साथ इधर इसके साथ इंटीग्रेट कर जाएगा. तो इन केस अगर ये पूरे का पूरा ट्रांसफर होता है तभी फर्टिलिटी इधर आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी. So that was conjugation. So in conjugation there are two methods. One, आपको बता दिया पूरे का पूरा ट्रांसफर हो जाता है तो उसमें F positive से जो negative है positive बन जाता है, लेकिन जो HFR है इसमें content ट्रांसफर होता है replication के बाद step by step, क्योंकि वो जो fertility factor है वो integrated है chromosome के साथ. तो के cases में disrupt हो जाता है, वो पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं हो पाता. So, जो भी रिजल्टेंट बैक्टीरिया होंगे वो एफ पॉजिटिव नहीं होंगे, वो एफ नेगेटिव ही रह जाएगा. देन नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन. हाँ जी, अब इसमें आपका रोल आ जाएगा क्योंकि ये ग्रिफ्स ने 1928 में दिया था. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड. सो द ट्रांसफर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डीएनए that is gene or genes extracted or otherwise liberated from a donor bacterium to a recipient bacterium is called transformation. So this is the definition. I hope aap sabhi ne ye padhi hui hai. To hua kya tha ki kuch content hai DNA ka jo shayad extract ho jaye ya fir liberate ho jaye donor se aur wo enter kar jaye recipient mein, usko transformation kehte hain. इस प्रोसेस में अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए इज ट्रांसफर्ड इंट्रासेलुलरली फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल वेयर इट गेट इंटीग्रेटेड विद द डीएनए ऑफ रिसिपिएंट बैक्टीरियम. सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डीएनए का कंटेंट है ये इंट्रासेलुलरली जाता है सेल्स के अंदर और एक सेल से दूसरे सेल में चला गया और उसके बैक्टीरियल उसके जो डीएनए कंटेंट है उसके साथ इंटीग्रेट हो गया. जो रिसिपिएंट सेल है उसमें फिर ऑब्वियसली कुछ करेक्टर्स आ जाएंगे. सो द रिसिपिएंट सेल देन एक्वायर द करेक्टर इनकोडेड बाय फॉरेन डीएनए. जो फॉरेन डीएनए इनकोड करता है करेक्टर्स वो रिसिपिएंट सेल्स के पास आ जाएंगे एंड इट पास इट टू ऑफस्प्रिंग. The phenomenon of transformation was discovered by Griffith in 1928 in case of pneumonia causing non-pneumonia causing Diplococcus bacteria. So आप लोगों ने पढ़ा होगा Diplococcus bacteria के बारे में, तो वही वाली चीज यहाँ पे डिस्कस हो रही है. उसमें भी ऐसा ही था, दो स्ट्रेन्स थी. हाँ जी, अब मुझे कौन बताएगा कि क्या क्या हुआ था उस एक्सपेरिमेंट में? श्रुति मैम, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में ग्रिफ्थ ने दो स्ट्रेन्स ली थी निमोनिया की, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की, यस S3
और आर टू स्ट्रेन. ओके स्ट्रेन जो थी वो स्मूथ वॉल थी, उसकी सेल वॉल ठीक थी, उसकी सेल वॉल में लिपिड ज्यादा थे तो इसलिए वो वायरुलेंट थी और वो डिजीज कॉजिंग थी, मतलब निमोनिया कॉज करती थी. और जो आर टू स्ट्रेन थी वो नॉन निमोनिया कॉजिंग थी. तो स्विफ्ट ने चार एक्सपेरिमेंट्स किए थे माउस पे, जिसमें उसने माउस में पहले एक्सपेरिमेंट में आर टू स्ट्रेन इंजेक्ट किया जिसमें माउस से ब्रेक कर गया. दूसरे में माउस में S2 strain किया इंजेक्ट, माउस डाइड. थर्ड में उसने डेड S2 strain को इंजेक्ट किया, जो माउस था वो सरवाइव करा. और मैम फोर्थ स्ट्रेन में उसने डेड S2 strain और लिविंग R3 strain. मैम S3 strain जो था वो डेड किया और R2 strain जो था वो लिविंग इंजेक्ट किया. नोटिस किया कि वो माउस डेड हो जाता है. तो इससे उसने ऑब्जर्वेशन की कि जो आर टू स्ट्रेन था वो तो नॉन निमोनिया कॉजिंग नहीं था, पर भी माउस मर गया क्योंकि जो आर टू स्ट्रेन था उसने डेड डीएनए से डीएनए एब्जॉर्ब कर लिया था. वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया. आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा ये. सो इट्स वेरी यस मैम. हाँ जी, बहुत अच्छी बात है. यही चीज है जो हम यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं कि कैप्सुलेटेड है एक बैक्टीरियम एंड कैप्सुलेटेड, तो क्या होगा इसका जो बैक्टीरियल कंटेंट है अगर हम हीट किल करके उसके साथ रख दें, दूसरे नॉन कैप्सुलेटेड उसमें कैप्सूल की कवरिंग नहीं है, बैक्टीरियल कंटेंट है ये इजीली सेल और यहाँ पे जाके इसके साथ इंटीग्रेट कर जाएगा, राइट? तो इसके साथ जब इंटीग्रेट कर जाएगा तो ऑब्वियसली ये जो जीन अंदर गए हैं वो अपने लिए अपना कोई ना कोई करेक्टर जो है वो कैरी करके लेके गए हैं, दे विल कोड फॉर दैट पर्टिकुलर करेक्टर. तो ये जो बैक्टीरिया है वो कॉरिस्पॉन्डिंगली बिहेव करेगा, मीन्स अगर वो कैप्सुलेटेड था तो ये भी कैप्सुलेटेड हो जाएगा. तो ये नॉन कैप्सुलेटेड जस्ट बाय एब्जॉर्बिंग हीट किल्ड डीएनए दे बिकम कैप्सुलेटेड. सो दैट वॉज ट्रांसफॉर्मेशन. Next is transduction and we will discuss tomorrow.